जय हिंद। आज की इस वीडियो में 16 से 31 जनवरी 2020 के बीच बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो आइए शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? राइट आंसर है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान में किसे चुना गया है? राइट आंसर है वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 2019 सम्मान हेतु चुना गया है। और वासुदेव मोही जो है सिंधी साहित्यकार है और इनके कहानी चेकबुक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का तीन राजधानियों वाला राज्य बना है। इसमें इसका पहला राजधानी जो है अमरावती है, दूसरा इसका विशाखापट्टनम और तीसरा कुर्नूल है। इससे पहले इसका राजधानी हैदराबाद था, जो अब तेलंगाना का कैपिटल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अभी जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है जगमोहन रेड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? राइट आंसर है इलेक्ट्रोलर लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्ट्रोलर लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी थीम के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो जो है अभी 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है तथा यहाँ का जो करेंसी है रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर है 7 हस्तियों को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है और 16 को पद्म भूषण तथा 118 को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है बी आनंद। बी आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है 51 नंबर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑपरेशन वरीला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? राइट आंसर है संविधान। शब्द संविधान को ऑक्सफोर्ड ने 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर है रानी रामपाल। यह हॉकी के कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर है क्रिस्टीन सिंक्लेयर। क्रिस्टीन सिंक्लेयर जो है फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है और ये जो है कनाडा की है। तो कनाडा के बारे में याद रखिएगा, कनाडा के जो राजधानी है ओटावा का जो मुद्रा है डॉलर है तथा यह प्रेसिडेंट एलिजाबेथ द्वितीय तथा प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है। ब्रिटेन का जो कैपिटल है लंदन है तथा यहाँ का करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और यहाँ प्रेजेंट टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर है जॉरिस बॉल्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ऑक्सफोर्ड इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है 84वां। 84वां स्थान जो है दिल्ली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है 76वां। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें प्रथम स्थान जो है डेनमार्क को मिला है, डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और भारत को 76वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है 80वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को। हमारे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, यदि आप रेलवे NTPC या अदर वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनफ है।